इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां कानपुर में हुई हिंसा के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ने ही रुमाल दिखाकर आक्रोशित भीड़ के साथ चंद्रेश्वर हाथे पर हमला बोला था। गिरफ्तार आरोपी अजीम को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। वहीं डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार ने बताया कि कानपुर नई सड़क में 3 जून को हुई हिंसा की जाँच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमे चंद्रेश्वर हाथे के ठीक सामने एक मुस्लिम युवक के रुमाल दिखाते ही भीड़ ने चंद्रेश्वर हाथे में हमला बोल दिया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच में आरोपी की पहचान मोहम्मद अजीम के रूप में हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हिंसा के बाद से वह फरार चल रहा था। बेकनगंज थाने की पुलिस और सर्विलांस टीम ने उसे एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अजीम ने बताया कि मुख्तार बाबा की दुकान में वह कर्मचारी है। मुख्तार के ही कहने पर उसने चंद्रेश्वर हाथे के सामने उग्र भीड़ से हिंसा करवाई थी। आपको बताते चले कि कानपुर हिंसा मामले में गठित एसआईटी ने अभी तक 59 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग ने थाने में सरेंडर भी किया था। अजीम की 59वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले पुलिस ने बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को अरेस्ट करके जेल भेजा था। मुख्तार से पूछताछ में ही अजीम का नाम सामने आया था। कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने इस मामले में बेकनगंज थाने में 3 FIR दर्ज की थी। इसमें 43 लोगों को नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ 4 FIR दर्ज की गई थी। फिलहाल हिंसा से जुड़ी 3 FIR की विवेचना SIT कर रही है। आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने अजीम से सवाल किया तो उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया है। आपने रुमाल दिखा के जुलूस को भीतर बुलाया था क्या? सवाल कराया कि नहीं? कुछ कहना है? रंजी भाई एडिट आइए, रंजी भाई एडिट चलाई जाएगी क्या? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।